और पटना में बीपीएससी के चेयरमैन बदल दिए गए हैं। परमार रवि मनुभाई बीपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। बिहार सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि 1992 बैच के आईएएस रहे हैं परमार रवि मनुभाई और अगले 6 साल तक बीपीएससी के अध्यक्ष अगले 6 सालों के लिए वो बनाए गए हैं। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा और क्या प्रतिक्रिया दी, सुनाते हैं हम आपको। शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने पुनः एक बार हमें मंत्री बनाया और जो भी जिम्मेवारी हमें सौंपी जाएगी उसका निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और पूर्व में मैंने जिस विभाग को देखा या पूर्व में तो जिस तरह से मैंने मेहनत की, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, पूरी निष्ठा के साथ हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारा पास परफॉर्मेंस रहा जो पूर्व में हमने किया, उसके आधार पर हम जो कुछ भी हमने सीखा और उनसे भी बहुत कुछ सीखा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनका स्नेह उनका विश्वास हम पर हमेशा बना रहा है। हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब बड़ी संख्या मंत्री बन गए हैं और आने वाले समय में आप सबों को बिहार में कोई इंतजार था विस्तार का, देखिए समय हो गया। अगर बहुत पुराने लोगों का नाम कट गया सर, देखिए तो तय मतलब पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता लोग करते हैं सर। मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर का, जीवेश मिश्रा इस बार बनाया गया आपको। अब स्वाभाविक है जो पार्टी निर्णय लेती है स्वागत हम करते हैं, हम पार्टी के अनुकूल चलते हैं। पार्टी जो फैसला लेती है जाकर के तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो निर्णय लेते हैं। पशुपति पारस एनडीए से नाराज हैं, सब ठीक हो जाएंगे और सब साथ चलेंगे जाकर के, कोई नाराज नहीं जाकर के। सीट कब तक बटाया जाएगा सर, कब तक अनाउंसमेंट होगा सीट का? मैं समझ जल्दी ही हो जाएगा, कहीं दिक्कत है नहीं जा करके। अब तो चुनाव घोषणा भी कल होने जा रहा है जी, ठीक। तो अब समझते जल्द ही मतलब ठीक है सर, घोषणा हो जाएगा सभी विदल मिल करके। आने वाले समय में हम लोग एनडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला, धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।